ऑल राइट, एसिड और बेस दोनों के बारे में बात हो गई कि उन दोनों में एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस दोनों होते हैं, लेकिन दोनों की कंसेंट्रेशन डिफरेंट होती है। अगर एच प्लस आयंस ज्यादा है, मतलब इफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयंस, अगर ये हमें पता है देन इट मीन्स सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, इफ एच प्लस आयंस आर लेस देन ओ एच माइनस आयंस, इन दैट केस सॉल्यूशन वुड बी बेसिक। ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि अगर ओ एच माइनस ज्यादा तो बेसिक होगा, अगर एच प्लस ज्यादा है तो एसिडिक होगा। एंड इफ एच प्लस आयंस आर इक्वल्स टू ओ एच माइनस आयंस देन द सॉल्यूशन वुड बी न्यूट्रल। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी, लेकिन इन तीनों केसेस में हमें ये चीज पक्का पता है कि एक चीज कॉमन है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन एक कॉन्स्टेंट होगी जो कि है 10^-14। ठीक है ना, ये नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, प्रोडक्ट हमेशा इसी के इक्वल होगा। अच्छा, अब बात की जा सकती है आसानी से कि अगर सपोज एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर बराबर है, तो उसमें क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में H प्लस और OH माइनस दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10^-7 हो जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, अब अगर बात की जाए इस सॉल्यूशन की, एसिडिक सॉल्यूशन की, उसमें क्या होगा, उसमें एसिड ज्यादा है ना, तो कह सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यू जो कि है 10^-7 उससे कम होगी OH माइनस की वैल्यू और उससे ज्यादा होगी H प्लस की वैल्यू। मतलब एक जनरलाइज बात लिख सकते हैं कि H प्लस की वैल्यू 10^-7 से ज्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पे सेम चीज OH माइनस के लिए लिख सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के लिए OH माइनस के लिए ये हो जाएगी वैल्यू 10^-7 से ज्यादा। ठीक है, अब पीएच की चीज है, पीएच एक ऐसा स्केल है, एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन, सिर्फ एक नंबर है पीएच जिससे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। उसमें हमें इन कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, अगर हमें पता है कि पीएच ये है, हमें मतलब नहीं है फिर इनकी वैल्यू से। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट इज पीएच, पीएच बेसिकली, पी बेसिकली एक ऑपरेटर होता है, मैथमेटिक्स का एक ऑपरेटर है पी, यहां पे एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है एसिडिक, एच प्लस आयंस। ठीक है, एच का मतलब ये है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है पावर ऑफ एच प्लस आयंस, कि एच प्लस आयंस कितनी पावर में, उनकी कितनी पावर है। तो इसका ऑपरेटर क्या है, ये बेसिकली इसका एक रिलेशन है, माइनस लॉग 10 ऑफ एच प्लस आयंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीएच, कि जब भी आपके पास एच प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अवेलेबल है उसका माइनस लॉग 10 ले लो, आपके पास पीएच आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इज सपोज 10^-7, ठीक है, 10^-7 है एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन, अब इसके लिए पीएच कितना होगा, इसके लिए पीएच कितना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 10^-7। ठीक है ना, सॉल्व करोगे यू विल गेट पीएच इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन जब 10^-7 होती है, जो कि एक न्यूट्रल सोल्यूशन में होती है, उस केस में पीएच 7 आता है। अभी याद रखना है कि अगर पीएच 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10^-7 से कम है, सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। बिल्कुल बात ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखो कि अगर इसकी वैल्यू 10^-7 से कम है, एक काम करते हैं, इसका दोनों साइड से लॉग ले लेते हैं, लॉग टू दी बेस 10 ऑफ एच प्लस आयन log to the base of 10^-7, it would be, दोनों साइड एक नेगेटिव लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस log 10 of h plus आयंस, अब साइन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव लगा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसका log लेंगे तो हो जाएगा माइनस 7, it would become 7। ठीक है, और ये चीज क्या है, ये कुछ नहीं है, पीएच है, ये तो पीएच इज ग्रेटर देन 7। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10^-7 से कम है, सॉल्यूशन कैसा है, हमें पता है कि उस केस में फिर सॉल्यूशन पक्की बात है बेसिक होगा, क्योंकि मिड वैल्यू से जो न्यूट्रल वाली वैल्यू है उससे कम है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और उसी टाइम पे पीएच जो होगा वो 10^-7 से ज्यादा हो जाएगा,
सेवन पे सॉल्यूशन क्या था? न्यूट्रल, सेवन से ज्यादा पे बेसिक. दो चीजें याद करने के लिए हो गई कि इफ पीएच इज सेवन देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल. ओके, इफ पीएच इज ग्रेटर देन सेवन जो कि अभी निकाला है, देन सॉल्यूशन वुड बी बेसिक. अभी इंट्यूशन आनी चाहिए कि अगर यही वैल्यू हर जगह साइन ऑपोजिट कर दो, ठीक है ना. अब अगर एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 से ज्यादा हो गई, मतलब सॉल्यूशन इज एसिडिक, उसके लिए पीएच वुड बी लेस देन 7. कह सकते हैं कि पीएच अगर लेस देन 7 है सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक, ठीक है. ये तीन चीजें याद रखनी है कि पीएच की एक रेंज है, अगर 7 से 7 के इक्वल है तो देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, पीएच इज 7 देन सॉल्यूशन इज बेसिक, एंड पीएच इज लेस देन 7 देन सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है. आगे चलते हैं, पीएच के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे. पीएच एक ऐसा स्केल है जिसमें मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है 14. मिड वैल्यू तो आपको पता ही चल गई, अब फिर 7 हो जाएगी मिड वैल्यू. ये रेंज कौन सी हो गई? ये रेंज हो गई एसिडिक रेंज. ये अगर पीएच की बात की जा रही है, ये रेंज हो गई एसिडिक रेंज 0 to 7. दिस रेंज इज बेसिक, और इस पॉइंट पे सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, एज सिंपल एज दैट. अब पीएच की पूरी कहानी समझ में आ गई कि पीएच एक ऐसा स्केल है जिसकी वैल्यू 0 to 14 वैरी करती है. 0 to 7 का मतलब है सॉल्यूशन एसिडिक है, 7 का मतलब है न्यूट्रल है, और 7 से बड़ा और 14 से छोटा है देन द सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक है.